हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मणि तिवारी अविजन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था। वैदिक कल्चर में हम लोग जाने थे कि उस समय आर्यंस आए थे, आर्यंस यहाँ पे आके अपना वेदाज वगैरह का संरचना किए, फिर वेदाज का संरचना होने के बाद फिर कैसे कैसे करके वो वेदाज चार बना, फिर ऐसे बहुत कुछ हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वैदिक पीरियड के बाद हम लोग एक बुद्धिज्म पढ़ेंगे, ठीक। बुद्धिज्म पढ़ेंगे, बुद्धिज्म इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये वैदिक पीरियड जो 500 बीसी तक चला या 600 बीसी किसी किसी बुक में लिखा रहता है, तो 500 बीसी तक लेते हैं। इसके बाद अगर लेते हैं बुद्धिज्म के बारे में अगर लेने का कोशिश करें तो आप फिर देखेंगे कि बुद्धिज्म फिर फ्लरिश किया, बुद्धिज्म साथ में चला, जैनिज्म बुद्धिज्म एक साथ पैरेलली चल रहा था, एक तरह से बोला जाए तो फ्लरिश हो रहा था। जैनिज्म पहले आया, फिर साथ में बुद्धिज्म आया, और वैदिक पीरियड का जो भी उस समय जो भी बुराई वगैरह एक तरह से कह लीजिए कि उस समय बहुत ज़्यादा जो रिलीजन था बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका था। रिलीजन की फिर एक और बात करें तो उस समय बहुत सारा जैसे बलि का प्रथा चलने लगा था, फिर कास्टिज्म हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ये सब के वजह से क्या हुआ, हिंदुइज्म कहीं ना कहीं फिर से दबना शुरू हो गया, और इसी के फलस्वरूप जो है ये बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म अगर बात करें तो इनसे जो जुड़े हुए हैं जैसे सिद्धार्था, सिद्धार्था की बात करें, सिद्धार्था ही गौतम बुद्धा इनको बोला जाता है। तो ये सिद्धार्था की अगर बात करें तो ये फिर साक्या क्लैन से ये फिर बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय थे, ठीक, क्षत्रिय थे। तो यहां से इनका, इनसे जुड़ा हुआ कौन है, सिद्धार्थ। कौन जुड़ा हुआ है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की अगर बात करें हम, सिद्धार्थ की अगर बात करें तो इनका जो जन्म है, बॉर्न जो है कहां हुआ, 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। ये अभी के डेट में नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में है, यहां पे इनका जन्म हुआ था। किसका, सिद्धार्था का। सिद्धार्था का अगर बात करें तो इन्हीं से यही आगे चल के गौतम बुद्धा बने और ये फिर बुद्धिज्म का शुरुआत करे। तो हम फिर इनका सिद्धार्थ के बारे में जानते हैं। तो सिद्धार्थ जो थे ये सबसे पहले तो लुम्बिनी में 563 बीसी में पैदा हुए। इनके जो है एक मदर थी, मदर कौन थी, मदर का नाम था माया, मदर का नाम था माया, मदर का नाम था माया। फिर फादर, फादर का नाम था सुद्धोधनम, फादर का नाम था सुद्धोधनम। फिर अगर बात करें तो ये सिद्धार्था को जो है पाल पोस के बड़ा किंती, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, आंट बोल लीजिए, आंट थी वो, या फिर स्टेप मदर भी बोल सकते हैं, स्टेप मदर। कौन थी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनका नाम था। ये जो है आपका स्टेप मदर थी और ये आगे इनको पाल पोस के बड़ा की। फिर जो है इनकी एक बड़े हुए जब तो इनका शादी हुआ, शादी में इनका जो हुआ उनकी वाइफ का नाम था यशोधा, यशोधा उनके वाइफ का नाम था, ठीक। और इनका फिर इनसे एक सन हुआ, सन का नाम था राहुल, सन का नाम था राहुल, ठीक, सन का नाम क्या था, राहुल, ठीक। तो ये अगर बात करें तो ये इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन हुआ। अब आगे अगर इनके बारे में अगर जानना चाहे, सिद्धार्था के बारे में अगर आगे जानना चाहे तो ये 29 साल के एज तक ये घर से नहीं निकले थे, 29 साल के एज तक ये घर से नहीं निकले थे, 29 के एज तक।
फिर क्या हुआ, 29 के एज में ये बाहर निकले। बाहर किसके साथ निकले, इनके जो एक तरह से बोला जाए इनका चैरियोटर जो बोला जाता है, चैरियोटर जो है जिनका नाम था चन्ना, ठीक, चैरियोटर जिनका नाम था चन्ना या फिर छन्ना इनका नाम था, ठीक, चैरियोटर। और इनका जो घोड़ा था, इनका जो फेवरेट हॉर्स था उसका नाम था कंटक। इनका जो हॉर्स था फेवरेट उसका नाम था कंटक, ठीक। तो इसके साथ ये बाहर निकले, कंटक इसके, इनके हॉर्स का नाम था, चैरियोटर का नाम था छन्ना। तो इसके साथ ये कहां निकले, इन लोग के साथ ये निकले इनका जो राज्य था उस समय, राज्य पे घूमने के लिए निकले। तो ये राज्य में जब घूमने के लिए निकले, जब ये राज्य पे घूमने के लिए निकले तो ये चार चीज देखते हैं, फोर थिंग्स ये देखते हैं। ये चार चीज क्या था, चार चीज जो था इसमें से जो था, ये आगे बढ़ते हैं रथ के ऊपर अपना बैठ के जा रहे होते, फिर एक देखते हैं, एक सबसे पहले देखते हैं ओल्ड मैन, सबसे पहले देखते हैं एक ओल्ड मैन। तो ये ओल्ड मैन देख के जो है ये अपने चैरियोटर से पूछते हैं कि अरे ये कौन है। तो चैरियोटर उनको बोलते हैं कि ये जो है एक वृद्ध इंसान है, एक बूढ़े इंसान है, ठीक, ये एक बूढ़े इंसान है। तो ये इनका फिर जिज्ञासा बढ़ता है कि बूढ़े हैं तो क्यों बूढ़े हैं। तो फिर चैरियोटर बोलते कि सबको ही बूढ़ा होता है। तो फिर इनसे फिर पूछे चैरियोटर से, फिर बुद्धा सिद्धार्था पूछे कि क्या हम भी होंगे फिर से। तो चैरियोटर बोलते हाँ आप भी बुद्धे होइएगा, हम भी बुढ़े होंगे, सबको ही बुढ़ा होता है। तो ये फिर सोचने लगे कि अरे देखो हम तो अभी जवान है, ऐसे है तो फिर बुढ़े होके ऐसे हो जाएंगे, ऐसे मेरा शरीर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएंगे। ये मतलब अभी तक सिर्फ राजमहल में थे, बाहर का दुनिया कुछ नहीं देखे थे। फिर इनके दिमाग में फिर वो मानसिक द्वंद जो भी है चलता रहता है, सोचते रहते हैं। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं फिर एक देखते हैं क्या, सिक मैन देखते हैं, बुजुर्ग आदमी जब देखते हैं तो ये फिर वही सिक मैन देखते हैं, बीमार आदमी जब देखते हैं तो फिर वही चीज सब सवाल पूछते हैं कि ये कौन है, क्या हम भी बीमार पड़ेंगे। तो फिर वही जवाब आता है चैरियोटर से कि हाँ बीमार सबको ही पड़ता है, कोई भी बीमार पड़ सकता है, किसी का भी शरीर खराब हो सकता है। तो ये फिर जानने के बाद फिर इनके दिमाग में बहुत सारा हलचल आया, फिर ये आगे अभी फिर आगे रथ से बढ़ रहे थे। फिर तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा ये देखते हैं क्या, डेड बॉडी। ये फिर आगे जाते क्या देखते, डेड बॉडी माने मरा हुआ कोई लेके जा रहा था। तो ये बोले कि ये कौन जा रहा है, तो ये बोले कि ये मर गया है, इनको ले जाया जा रहा है। तो फिर पूछा जाता है डेड, तो इंसान मरता क्यों है ऐसा पूछे। तो चैरियटर बोले कि सबको ही मरता है, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है। तो फिर सोचने लगते हैं अरे यार हम भी मर जाएंगे, मतलब मेरे फादर मदर जो है वो भी, मतलब सबको ही दुनिया छोड़ के जाएगा। तो इनके दिमाग में अभी चल ही रहा था। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या देखते हैं, एक साधु देखते हैं, एसेटिक, ठीक, साधु देखते हैं। ये जब साधु देखते तो ये पूछते ये कौन है, तो ये फिर चैरियोटर बोलते कि ये साधु है। तो वो पूछते ये क्या कर रहे हैं, तो चैरियोटर बोल रहे कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं। तो फिर पूछे कि तो मेडिटेशन से क्या होगा, तो वो बोलते कि मेडिटेशन से जो है आपको सच्चाई का पता चलता है, या त्रुथ का जो पता चलता है, या फिर आपको रास्ता दिखता है जीवन के में, जो भी हलचल चल रहा है उसका आपको मार्ग मिलता है। तो ये सब चारों देख के जो है इनके दिमाग में बहुत सारा मानसिक द्वंद्व चले जा रहा था। ये जो है मानसिक द्वंद्व जो चल रहा था, मानसिक द्वंद्व चलते चलते ये फिर रात में जो है क्या हुआ, ये रात में अपने वाइफ और सन को, अपने वाइफ और सन को छोड़ के रात में निकल गए। ठीक, ये जो निकले हैं तो
ये निकले हैं, छोड़ के निकल गए, ये जो निकले हैं रात में, इस ये 29 के एज में घर को छोड़ दिए, 29 के एज में घर को छोड़ दिए। ये जो घर छोड़ के निकले हैं उसको बोला जाता है ग्रेट रिनंसिएशन या फिर महाविनिष्कर्मणा, महाविनिष्कर्मणा। ठीक, ये यहां से निकल गया है। तो पहले क्या होता है, सिद्धार्था का सबसे पहले क्या था, बर्थ था। ठीक, सबसे पहले क्या था, बर्थ था, जन्म लिए, फिर क्या हुआ, महाविनिष्कर्मणा हुआ। ठीक है, यानी कि महाविनिष्कर्मणा, वो घर छोड़ के निकल गया। कब निकले, 29 के एज में। कितना एज में, 29 के एज में घर से निकल गए। ये जो घर से निकले, फिर 6 साल तक इधर उधर भटके, फिर 6 साल पे भटकते भटकते एक जगह कहां पहुंचे, राजगीर पहुंचे, राजगीर, राजगृह। ठीक, यहां पे जो है उनको मिले अलारा कलामा। ये जो है, ये कौन थे, ये टीचर थे, किसके, गौतम बुद्धा के। और इन्होंने क्या सिखाया था, मेडिटेशन इनको सिखाया, कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, इनको मेडिटेशन सिखाया, तो ये मेडिटेशन सीखे। फिर जो है आगे और बढ़ते हैं तो एक उद्दका बोल के या फिर रामापुत्ता बोल के एक और मिलते हैं, रामापुत्ता। ये जो रामापुत्ता मिलते हैं, ये भी इनके टीचर ही थे, ये भी इनको कुछ सिखाए थे। फिर जो है ये, इसके बाद क्या होता है, ये मेडिटेशन सीखने के बाद, बहुत सालों तक मेडिटेशन करते हैं, ये मेडिटेशन सीखने के बाद एक जगह पहुंच जाते हैं, कहां, बोध गया। ठीक, बोध गया जो पहुंचते हैं, बोध गया में एक निरांजना नदी था, निरांजना नदी, निरांजना, निरांजना, इसको अब फाल्गु नदी भी बोला जाता है, फाल्गु नदी। ठीक, निरांजना, यहां पे क्या, ये निरांजना नदी में ये नहा के फिर से जो है एक पीपल ट्री के नीचे ये बैठ गया, पीपल ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे क्या करे, बैठ गए। अब ये बैठ के क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, बोध गया में, कहां पे, बोध गया में, बोध गया लिख देते हैं, बोध गया में। ठीक, यहां पे बोध गया में ये बैठ के पीपल ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। ये जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उस समय फिर अचानक से इनका बत्ती जलता है और क्या होता है, इनको एनलाइटमेंट मिलता है। क्या मिलता है, एनलाइटमेंट, जिसको निर्वाणा बोला जाता है, निर्वाणा। ये क्या था, महाविनिष्कर्मा, ये ग्रेट रिनंसिएशन, जो घर छोड़ के जाते हैं, ग्रेट रिनंसिएशन, महाविनिष्कर्मणा। ठीक, निर्वाणा, निर्वाणा क्या मिलता है, एनलाइटेनमेंट। इनको क्या मिलता है, एनलाइटेनमेंट मिलता है, निर्वाणा। ठीक, ये कितने के एज में मिलता है निर्वाणा, ये 35 के एज में मिलता है, मतलब 6 सालों तक, 6 इयर्स तक ये सच्चाई के खोज में भटकते हैं, 6 सालों तक जो है ये सच्चाई के खोज में भटकते हैं। फिर इनको एनलाइटमेंट मिला, एनलाइटमेंट मिलने के बाद ही सिद्धार्था का जो क्या नाम पड़ा, सिद्धार्था को फिर क्या बोला जाने लगा, गौतम, गौतम। ठीक, गौतम फिर बोला जाने लगा, किसको, सिद्धार्था को। गौतम मतलब क्या होता है, द एनलाइटेड वन, द एनलाइटेड वन मतलब जिसको एनलाइटमेंट मिल गया हो। इनको एक और बोला जाता था क्या, तथागत, तथागत, तथागत बोला जाता था। तथागत मतलब
तथागत मतलब, तथागत मतलब जिसको सच का, जिसको सच का प्राप्ति हो गया हो, ट्रुथ जिसको मिल गया हो, ट्रुथ जिसको मिल गया हो उसको तथागत बोला जाता है। इसके बाद से क्या, इनको निर्वाणा मिलने के बाद, निर्वाणा मिलने के बाद एक ये पहला रिलीजियस डिस्कर्स के एक मतलब पहला अपना स्पीच जो दिए वो कहां दिए थे, डियर पार्क में। कहां पे दिए थे, डियर पार्क में, सारनाथ, ठीक, सारनाथ में, ये डियर पार्क में, ये सारनाथ का यहां पे अपना रिलीजियस डिस्कर्स दिए थे, जो जिसको कि हम लोग क्या बोला जाता है, सारनाथ, ये कहां पे, बनारस के पास में, बनारस के पास में है ये, ठीक। तो इसको जो है हम लोग फिर धर्म चक्र परिवर्तना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तना, परिवर्तना, धर्म चक्र परिवर्तना बोला जाता है, ठीक। ये क्या था, ये इनका फर्स्ट रिलीजियस डिस्कर्स था, ठीक, ये पहला रिलीजियस डिस्कर्स था, ठीक। फर्स्ट रिलीजियस डिस्कर्स था ये इनका, ठीक, धर्मचक्र परिवर्तना। इसके बाद से धर्मचक्र परिवर्तना के बाद फिर ये अपना इधर उधर बहुत जगह भटके भटक के अपना सब ऐसे ही फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए। तो ये फिर जो है एक एक जगह पहुंचे जिसका नाम था पावापुरी। कहां पहुंचे, पावापुरी में, पावापुरी में ये पहुंचे। ये पावापुरी में जो है ये एक जन थे चंदा बोल के या कंदा बोल के एक जन थे, उनके यहाँ पे ये जो है क्या का मैंने पॉर्क और कुछ जो है जंगली मशरूम वगैरह खाए थे, ठीक। तो ये जो जंगली मशरूम जो खाए थे इसके वजह से बोला जाता है कि इनका मैंने डेथ हुआ या जो भी, लेकिन ये पावापुरी में रुके थे। इसके बाद से पावापुरी में रुकने के बाद ये आगे बढ़े, कहां गए, कुशीनगर। कुशीनगर यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर गोरखपुर के पास पड़ता है ये, कुशीनगर जो है गोरखपुर के पास पड़ता है, कुशीनगर, ठीक। तो ये कुशीनगर में यहां पे पहुंचे, कुशीनगर में इनका क्या हुआ, ये साल ट्री के नीचे इनका डेथ हुआ, साल ट्री, साल ट्री के नीचे इनका डेथ हुआ, और हुआ कितना में, 483 बीसी में, 483 बीसी में इनका डेथ हुआ। कहां पे, कुशीनगर साल ट्री के नीचे, ठीक, इनका डेथ हुआ। ये जो डेथ हुआ इसको बोला जाता है परिनिर्वाणा। क्या बोला जाता है, परिनिर्वाणा। ये डेथ जो हुआ इसको बोला जाता है परिनिर्वाणा। ये जो डेथ, ठीक। तो ये क्या था, ये जो है ये पूरा का पूरा ये आपका बुद्धा का लाइफ का ये एक एक स्टेज था। पहला स्टेज क्या था, बर्थ, पहले जन्म लेते हैं, फिर घर से निकल जाते हैं जिसको महाविनिष्कर्मणा बोला गया, फिर क्या हुआ उनको एनलाइटमेंट मिला जिसको निर्वाणा बोला गया, फिर पहला रिलीजियस स्पीच दिया जिसको धर्म चक्र परिवर्तना बोला गया, और लास्ट में फिर डेथ होता है उनका, उसको बोला जाता है परिनिर्वाणा। ये जो इनका स्टेजेस है लाइफ का, इसको जो है कुछ कुछ सिंबल से डिनोट किया गया, कुछ कुछ सिंबल से डिनोट किया गया। जैसे बर्थ, बर्थ को जो है लोटस से डिनोट किया गया, लोटस सिंबल दिया जाता है, लोटस, ठीक। कहीं कहीं के पे बुल, बुल भी दिया जाता है सिंबल, लोटस एंड बुल लिख सकते हैं इसको, ठीक, लोटस एंड बुल इसका सिंबल दिया जाता है, किसको, बर्थ को, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इनके यहां पे ग्रेट रिनंसिएशन यानी कि महाभिनिष्कर्मणा होता है। ये क्या, कहा महाभिनिष्कर्मणा, क्या किस चीज से निकले थे, महाभिनिष्कर्मणा में घर से निकले थे किससे, हॉर्स से। तो इसको नाम दिया जाता है हॉर्स सिंबल से, ये डिनोट किया जाता है। फिर क्या था, निर्वाणा, निर्वाणा कहां मिला था, पीपल ट्री के नीचे, तो उसको बोला गया बोधि ट्री,
बोधि ट्री सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। फिर क्या, धर्म चक्र परिवर्तना, धर्म चक्र परिवर्तना मतलब ये जो पहला अपना रिलीजियस डिस्कर्स जो दिए थे, देखे इसमें क्या आता है, चक्र, चक्र कैसा होता है, गोल होता है, गोल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हील, तो इस सिंबल को क्या दिया गया, व्हील लिखा गया, ठीक, इसको क्या दिया गया, व्हील दिया गया। फिर क्या आता है, परिनिर्वाण यानी कि डेथ, डेथ के बाद जो इनका जो स्पीच वगैरह था कहां पे दिया गया, स्तूपा पे, स्तूपा पे लिखा गया, तो ये क्या हुआ, डेथ को स्तूपा सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि जन्म जब लिए लोटस, लोटस कहते खिलता है ना, तो उसी तरह से जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो वो खिला, तो उसके हिसाब से आप लोटस ले सकते हैं। फिर ग्रेट रिनंसिएशन, घर से भागते हैं, किससे पे भागते हैं, वो हॉर्स से भागते हैं, तो उसको हॉर्स बोला गया। फिर निर्वाणा कहां मिलता है, पेड़ के नीचे मिलता है, पीपल पेड़ के नीचे में, तो वो बोधि ट्री। फिर क्या, धर्म चक्र परिवर्तना, चक्र आ रहा है, ठीक, चक्र कैसा होता है, गोल, तो व्हील से याद कर सकते हैं, और परिनिर्वाण स्तूपा यानी कि डेथ, ठीक, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस था बुद्धा के लाइफ का। फिर अगर आप आए तो बुद्धा जब ये अपना रिलीजियस जब फॉर्म में थे, रिलीजन को आगे बढ़ा रहे थे, तो गौतम बुद्धा जब रिलीजन को आगे बढ़ा रहे थे तो कुछ कुछ सिखाए, कुछ कुछ इनका टीचिंग था, ठीक। तो ये टीचिंग क्या क्या था, आइए हम लोग जानते हैं इसका टीचिंग क्या क्या था, टीचिंग जानते हैं। टीचिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे, बुद्धा का जो टीचिंग था इसमें सबसे पहले था इनका फोर नोबल ट्रुथ था। क्या नोबल ट्रुथ था, जीवन में क्या है, फोर नोबल ट्रुथ इनके टीचिंग में, टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक। तो इसमें आते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा, अगर देखें तो ये पहले बोले फोर नोबल ट्रुथ है, दुनिया का जो है, दुनिया में जो है चार नोबल ट्रुथ है, माने चार ही जो है सच्चाई है दुनिया का। क्या नोबल ट्रुथ है, क्या नोबल ट्रुथ है, पहला जो दुनिया में सच्चाई है वो क्या है, जो दुनिया जो है दुख से भरा पड़ा है, फुल ऑफ सॉरो, तो पहला इनका ये था दुख, दुखा, क्या है इसका मतलब, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये पहला इनका टीचिंग था। सेकेंड टीचिंग क्या था, ये जो हम लोग का दुख है, दुख जो है इसका वजह क्या है, तृष्णा, तृष्णा मतलब डिजायर, ठीक, तो इसके लिए क्या बोले थे, द कॉज ऑफ सॉरो, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, तृष्णा, डिजायर मतलब तृष्णा को ही यहां पे डिजायर बोला जा रहा है, ठीक। तो तृष्णा क्या है, हम लोग का जो भी दुख है उससे हम लोग को क्या कहा जाता है, हम लोग का वजह है, ठीक। और अगर हम लोग डिजायर को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग का दुख क्या होगा, मिट जाएगा, ये इनका बोलना था, मतलब द डिजायर कैन बी कंक्वर्ड, डिजायर कैन बी कंक्वर्ड, द ऑल द सॉरो कैन बी रिमूव्ड, ठीक, इफ If the desire can be conquered, all the sorrow can be removed. ये बोला उन्होंने। फिर क्या बोले कि ये जो दुख है, ये जो दुख है या डिजायर जो है, डिजायर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, डिजायर को कंट्रोल किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ, डिजायर, द डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग एट
फोल्ड पाथ, मतलब एट फोल्ड पाथ पे हम लोग चढ़ के चल के क्या कर सकते हैं, अपना डिजायर को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डिजायर को रोक सकते हैं। ठीक, तो ये था, ये इनका नोबेल ट्रुथ था। अब क्या था डिजायर, सॉरी एट फोल्ड पाथ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एट फोल्ड पाथ। तो बोला गया है ना कि भाई डिजायर को हम लोग रोक सकते हैं एट फोल्ड पाथ के जरिए, डिजायर को रोका जा सकता है। तो ये एट फोल्ड पाथ था क्या, ये एट फोल्ड पाथ जो था क्या। ठीक, तो एट फोल्ड पाथ के बारे में जानते हैं हम, ये नोबेल ट्रुथ था, चार नोबेल ट्रुथ। तो इसके बाद से एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ था क्या, एट फोल्ड पाथ था क्या, एट फोल्ड पाथ के बारे में आप जानते हैं, एट फोल्ड पाथ क्या था। पहला जो एट फोल्ड पाथ में था, प्रॉपर विजन। पहला क्या था, प्रॉपर विजन। ठीक, ये एट फोल्ड पाथ का पहला पॉइंट था, मतलब सही दिशा में आप लोग देखिए, सही ये करिए। ठीक, राइट एम, राइट एम। ठीक, इसके बाद से क्या था, तीसरा राइट एम, इसके बाद से राइट स्पीच, राइट स्पीच, सही बोलिए। फिर क्या, प्रॉपर एक्शन, आपका जो काम होना चाहिए वो सही होना चाहिए, मतलब जो एक्शन कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हो उसका दिशा सही होना चाहिए, वो सही तरीके से करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। प्रॉपर लाइवलीहुड, प्रॉपर लाइवलीहुड, ये इनका पांचवा था, प्रॉपर लाइवलीहुड, सही तरीके से जिंदगी जिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद क्या था, राइट एफर्ट। फिर क्या था, छठा राइट एफर्ट। राइट एफर्ट फिर क्या था, सातवा आपका आ जाता है करेक्ट अवेयरनेस। सातवा आपका आ जाता है करेक्ट अवेयरनेस, करेक्ट अवेयरनेस। और लास्ट आठवां क्या है इसका, आठवां जो है मेडिटेशन, मतलब ये सब कुछ करने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। यानी कि ये अगर सातों आपको लेके आना है तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन, आपको क्या करना है, मेडिटेशन। ठीक, ये इनका एट फोल्ड पाथ था। ये जो आठों एट फोल्ड पाथ पूरा जो फॉलो करता है उसको, इस ये जो आठों एट फोल्ड पाथ को जो है इसको मिडिल पाथ बोला गया, यानी कि मध्यम प्रतिपद, मध्यम प्रतिपद। ये आठों एट फोल्ड पाथ को क्या बोला गया, मध्यम प्रतिपद, यानी कि मिडिल पाथ। इसको क्या बोला गया, मिडिल पाथ, मध्यम प्रतिपद। ये जो है जो मिडिल पाथ जो फॉलो करता है वो क्या, उसको लास्ट में मिलता है सेल्वेशन, मोक्ष। ठीक, सेल्वेशन को उसको प्राप्ति होती है जो ये करता है। ठीक, इसके बाद जो है आपका जो बुद्धा के जो भी डिसिपल्स थे इनको दो भागों में बांटा गया था। जो बुद्धा के, मान लो बुद्धा के जो अपना आगे जब बढ़ाए इसका, तो दो डेसिपल थे, माने दो भागों में इनके डेसिपल को माना गया था। ठीक, बुद्धा के डेसिपल्स के बारे में बात करते हैं। इनके डिसिपल्स के बारे में बात करते हैं, तो बुद्धा के जो है
जो डिसिपल्स थे उनको दो काइंड में बांटा गया था. एक जो थे मॉन्क थे, एक कौन थे, मॉन्क थे जिनको भिक्षुक भी बोला जाता था, एक मॉन्क थे जिनको भिक्षुक बोला जाता था, और एक कौन थे, वर्सिपर थे, वर्सिपर जिसको उपासिकास बोला जाता था, माने उपासक जो होते हैं, उपासक जो पूजा करते हैं, एक कौन थे, वर्सिपर्स थे. ये कौन थे, वर्सिपर्स, उपासिका, उपासकास बोला जाता था, क्या बोला जाता था, उपासकास, वर्सिपर्स थे जिनको उपासकास बोला जाता था, ठीक, माने उपासक जो होते हैं, जो पूजा करते हैं. तो इनके डिसिपल में जो है वो सुभद्रा जो थी, एक एसेटिक थी जो इनका बुद्धास का टीचिंग सुनी थी, फिर आनंदा जो थे इसके फेवरेट डिसिपल थे, आनंदा इनके फेवरेट डिसिपल का नाम क्या था, ये कौन थे इसके फेवरेट डिसिपल्स थे, ठीक, इनके फेवरेट डिसिपल का नाम क्या था, आनंदा, ठीक. तो ये डिसिपल्स का बात हुआ, ये डिसिपल्स का आपका बात हुआ, डिसिपल्स का क्या, आनंदा जो थे इसके इनके फेवरेट डिसिपल थे, ये आपका डिसिपल का बात हो गया. अब जो आते हैं क्या, अब बुद्धिस्ट काउंसिल होना शुरू हुआ, बुद्धिस्ट काउंसिल सब हुआ, उसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक. तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानते हैं हम लोग, कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग को अभी पता चलेगा. तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट काउंसिल कहां होता है, फर्स्ट काउंसिल हुआ, फर्स्ट काउंसिल होता है, ठीक, फर्स्ट काउंसिल ये जो हुआ है कहां हुआ है, राजगृह में, कहां हुआ है, राजगृह में, पहला काउंसिल हुआ राजगृह में, ठीक, पहला काउंसिल जो होता है राजगृह में होता है. ये इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं महाकश्यपा, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, महाकश्यपा, महाकश्यपा इसके चेयरमैन होते हैं, महाकश्यपा इसके कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं. ये जस्ट बुद्धा के जस्ट डेथ के बाद 483 बीसी में ही इनका ये होता है, 483 बीसी में ये हुआ रहता है, 483 BC, जस्ट महात्मा बुद्धा जब मरते हैं तो उस समय उसके जस्ट बाद ही ये काउंसिल होता है. इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज बनता है, सुत्त पिता का और विनय पिता का, इसमें बनता है, क्या बनता है, सुत्त पिता का और विनय पिता का. क्या था ये सुत्त पिता का, विनय पिता का, सुत्त पिता का ये जो था आपका बुद्धिस्ट सेइंग था, बुद्धास का जो सेइंग था इसमें सब मिला हुआ था, जो जो बुद्धास बोले थे ये इसमें था, ठीक है, बुद्धास सेइंग, ये सुत्त पिता का था. सुत्त पिता का जो था वो कौन बनाया था, आनंदा, ठीक, आनंदा, ठीक. और एक जो बना था ये एक विनय पिता का बना था, विनय पिता का, विनय पिता का कहा था, ये मोनास्टिक कोड था, विनय पिता का बना था, एक विनय पिता का, ठीक, ये क्या था, मोनास्टिक कोड था, मोनास्टिक कोड, ठीक. ये कौन, ये उपाली, उपाली के अंडर में था ये, ठीक. ये दो यहां पे हुआ, पहला जो फर्स्ट काउंसिल हुआ कहां हुआ, राजगृह में हुआ और महाकश्यपा के अंडर में हुआ. सेकंड काउंसिल जो होता है 483 बीसी में ये हुआ था. सेकंड काउंसिल देखिए, सेकंड काउंसिल की अगर बात करें, सेकंड काउंसिल की अगर बात करें, ये होता है आपका वैशाली में, वैशाली, ठीक, वैशाली में होता है. ये किसके अंडर में होता है, ये सबकामी के क्या कर रहा था, सबकामी के चेयरमैनशिप में होता है, ठीक, सबकामी. ये होता है, ये बुद्धा के डेथ के 100 साल बाद होता है, यानी कि कब होता है, 383 बीसी में, 383
बीसी में। देखिए 100 साल बाद हो रहा है, यानी कि यहां पे कम हो रहा है, 583 बीसी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये घट रहा है, ये बीसी है, बीसी घटता है, ठीक है, बीसी घटता है, इसलिए ये नीचे जा रहा है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बीसी क्या था, मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा मतलब क्या, अगर अगर लाइन लाइन सेगमेंट से अगर समझने का कोशिश करें तो ये नेगेटिव में एक तरह से जा रहा है, मतलब अगर 483 अगर बीसी देखे तो ये नेगेटिव में है। अगर 100 साल बाद यानी कि इस तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कम नेगेटिव के तरफ पढ़ रहे हैं। तो कम नेगेटिव क्या, ये 383 बीसी यहां पे होगा, मतलब कम हो रहा है, ठीक। ये अगर कॉमन एरा है, ये अगर जीरो है, तो इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मतलब जितना इसके लेट था, मतलब जैसे जैसे 483 बीसी था यानी कि इसके बहुत पहले था, ठीक, और 383 मतलब इसके थोड़ा पहले है, ये बिफोर कॉमन एरा का बात होता है ये, ठीक, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। तो मैंने 383 मतलब 100 साल के बाद हो रहा है, मतलब यहां से यहां तक जाने में इनको 100 साल लगा, तो ये कम नेगेटिव हुआ, ठीक है, कम नेगेटिव हुआ यहां पे, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर 100 साल बाद हो रहा है तो ये मत समझिए कि 583 हुआ, नहीं, 383, ठीक, 100 साल बाद हो रहा है, ठीक। तो ये 100 साल बाद हुआ, ये क्या हुआ, सबकामी के अंडर में हुआ, ये 383 बीसी में हुआ। ये जो है इसमें एक डिवीजन हो गया, इसमें एक क्या हुआ, डिवीजन हो गया। इसमें जो डिवीजन हुआ, ये बुद्धिस्ट संघा का दो डिवीजन में आ गया, एक ऑर्थोडॉक्स में हो गया, एक जो है क्या हो गया, ऑर्थोडॉक्स, और एक क्या हो गया, अनऑर्थोडॉक्स। ये दो में डिवीजन हो गया, बाजी मोंग जो थे उनके अंदर में कंट्रोवर्सी हुआ, वज्जी मोंग, उसमें ये डिवीजन हो गया। ये जो डिवीजन हुआ, ये ऑर्थोडॉक्स को हम लोग स्थरावादींस कहते हैं, ये जो डिवीजन हुआ इसको स्थरावादींस कहते हैं, और महासंघिका जो है इसको अनऑर्थोडॉक्स को कहते हैं, महासंघिकाज, ठीक है, ये अनऑर्थोडॉक्स वाले पार्ट थे। तो यहां पे फिर से मॉन्क्स के बीच में यहां पे पार्टीशन हो जाता है। फिर होता है थर्ड काउंसिल, एक आता है फिर थर्ड काउंसिल होता है। ये थर्ड काउंसिल कहां पे होता है, ये थर्ड काउंसिल आपका होता है पाटलिपुत्रा में, ठीक, पाटलिपुत्रा में ये होता है, कहां होता है, पाटलिपुत्रा, ये कहां होता है, पाटलिपुत्रा में। ये जो है उस समय चेयरमैन जो होता है मोगाली पुत्ता एक नाम के थे, उनका वो यहां पे लीडर रहते हैं, मोगाली पुत्ता के चेयरमैनशिप में होता है, ठीक, मोगाली पुत्ता के चेयरमैनशिप में ये होता है। ये जो उस समय पैट्रोनेज अगर बोला जाए तो ये एक तो यहां पे फिर याद रखने वाला चीज है, पैट्रोनेज किसका रहता है, इस समय अशोका के पैट्रोनेज में ये होता है, मतलब उस समय राजा रहते हैं अशोका, और ये जो है जो थर्ड काउंसिल होता है वो उन्हीं के पैट्रोनेज में होता है, मोगाली पुत्ता उस समय के वो चेयरमैन होते हैं, ठीक। इनको उपागुप्ता भी बोला जाता है, ये मोगाली पुत्ता जो है इन्हीं को उपागुप्ता भी बोला जाता है, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि उपागुप्ता लिखा हुआ है, तो आप यहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा मोगाली पुत्ता और उपागुप्ता में, उपागुप्ता इन्हीं का नाम है, ठीक। तो इनका इसमें क्या हुआ, स्थरावादींस जो है, स्थरावादींस यहां पे जो डिवीजन हुआ था इसको ट्रू फॉलोअर बोला गया, स्थरावादींस जो है ऑर्थोडॉक्स को, इनको जो है ट्रू फॉलोअर बोला गया, इनको जो है ट्रू फॉलोअर बोला गया स्थरावादींस को। और इसके बाद से त्रिपिताकाज यहां पे इस्टेब्लिश हुआ, ठीक, त्रिपिताकाज। इसके पहले जो है दो ही पिताका होता था, क्या, सुत पिताका, विनय पिताका। इसके साथ में यहां पे क्या हुआ, तीसरा पिताका जो हुआ अभिधम्म पिताका यहां पे इस्टेब्लिश हुआ, मतलब तीन पिताकाज यहां पे हुआ, क्या क्या, सुत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, ये तीन पिताका का यहां पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक।
पहले फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था, देखो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था ना सुत्त पिता का विनय पिता का दो तो बना था, यहां पे जो है क्या हुआ एडेड अभिधम्म पिता का, एडेड अभिधम्म पिता का, ठीक यहां पे जो है एक अभिधम्म पिता का एक और ऐड कर दिया गया जिससे कि त्रिपिता काज हो गया। ठीक, अब इसके बाद से क्या होता है फोर्थ काउंसिल होता है, क्या फोर्थ काउंसिल, फोर्थ काउंसिल एक तरह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है अभी आपको पता चलेगा। फोर्थ काउंसिल होता है कहां पे होता है, कश्मीर में होता है, फोर्थ काउंसिल कहां पे होता है कश्मीर में होता है, ठीक फोर्थ काउंसिल कहां पे होता है कश्मीर में होता है। इसमें जो चेयरमैन जो होते हैं वो वासु मित्रा होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं वासु मित्रा, वासु मित्रा इसके चेयरमैन होते हैं, और ये जो वासु मित्रा है उनका हेल्प एक जन और करते हैं, वो क्या है अश्वघोष, अश्वघोषा, ठीक है ये अश्वघोष कौन है, ये वही अश्वघोष है जो कि बुद्ध चरिता लिखे थे, बुद्ध चरिता जो लिखे थे ये वही अश्वघोष है, ठीक है ये वही अश्वघोष है जो कि बुद्ध चरिता लिखे थे, ये वासुमित्रा ये हेल्प किए थे वासुमित्रा को, वासुमित्रा कौन थे ये यहां के चेयरमैन थे, ये जब हुआ था ये चेयरमैन थे, तो साथ में हेल्प कौन किया था अश्वघोषा, अश्वघोषा कौन थे जो बुद्ध चरिता लिखे थे। ये जो है किसके पैट्रोनेज में हुआ था, ये कनिष्का के पैट्रोनेज में हुआ था, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी फर्स्ट सेंचुरी एडी के में हुआ था आसपास, फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, और ये किसका पैट्रोनेज में थे ये हुआ था, ये कनिष्का के पैट्रोनेज में हुआ था, कनिष्का के पैट्रोनेज में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, यहां पे जो है बुद्धिस्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कैसे किस पार्ट में, हीनायाना और महायाना, यहां पे फिर दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है किसका बुद्धिज्म का, दो पार्ट हो जाता है बुद्धिज्म का, कौन कौन सा, एक पार्ट हो जाता है महायाना, महायाना ठीक, और एक पार्ट जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा पार्ट हो जाता है हीनायाना, हीनायाना दो पार्ट में जो है बुद्धिज्म बढ़ जाते हैं दो में। महायानिस जो है, महायाना जो है ये आइडियल वर्शिप में मानते थे, ये कौन थे आइडियल वर्शिप ये करते थे, आइडियल वर्शिप में ये मानते थे, और हीनायाना कौन थे ये आइडियल वर्शिप को नहीं मानते थे, ठीक आइडल वर्शिप को ये नहीं मानते थे और ये आइडल वर्शिप को मानते थे, हीनायाना महायाना यही ये दो पार्ट में डिवीजन हो गया था। ठीक, तो ये जो है आपका बुद्धिज्म में इतना सब था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो बुद्धिज्म में और वैसा कुछ उतना नहीं है, और यहाँ पे बस इतना ही बुद्धिज्म में इतना ही इंफॉर्मेशन था, ये बस आप लोग याद रखिएगा। और जो फेजेस था, जो एक तरह से बुद्धा का जो जो लाइफ साइकिल बुद्धा था, जो उनका एक एक स्टेज आया, जैसे बर्थ, फिर एनलाइटमेंट आया, फिर घर से निक पहले बर्थ आया, फिर घर से निकले, फिर एनलाइटमेंट हुआ, फिर फर्स्ट स्पीच दिए, फिर क्या आया, फिर डेथ हुआ, तो ये सब पूरा स्टेजेस आपको याद रखना पड़ेगा, उसको क्या बोला गया वो याद रखना पड़ेगा। फिर ये हीनायाना महायाना किसको कहते हैं, दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, फिर ये फर्स्ट काउंसिल वगैरह, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, और ये सब जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको जितना भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा सब आपको इसमें इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं। तो बुद्धिज्म में बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।